As the BJP is all set to form the government, the party has talked tough on Pakistan. Senior BJP leader Nitin Gadkari has warned Pakistan to stop the export of terror or else the new government will give a befitting reply to Islamabad. Gadkari made these remarks in a heated discussion on headlines today last night. मैं पाकिस्तानी मित्र को पूछना चाहता हूं, हमारे चार शरीरों की गर्दन काट के गए हैं और वो लेकर के क्या इनको शोभा देता है इस प्रकार का व्यवहार करना इनके मिलिट्री को? हम पीस चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, अगर वो खुरापते करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका जवाब कड़ाई से मिलेगा। ये मनमोहन सिंह की और कांग्रेस की सरकार नहीं है हमारी। वी डोंट वॉन्ट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, वी वॉन्ट पीस, बट एट द सेम टाइम वी हैव जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने अगर ये बंद नहीं किया तो पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनमोहन की सरकार चुपचाप रहती थी, अगर गर्दन काटने के बाद में चार सैनिकों की गर्दन काटी गई तो वेरी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट, यू कांट बिहेड आवर सोल्जर्स एंड एक्सपेक्ट अस टू सिट बैक। आई थिंक मिस्टर गडकरी इज ग्रोसली मिस्टेकन। इफ देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, Pakistani Prime Minister made a good gesture by congratulating Mr. Modi. But if Mr. Modi or BJP, they beg Mr. Modi and they come up with a strategy of launching a strike into Pakistan under a false pretense of Dawood Ibrahim or some other, terrorist group doing something against India allegedly, I think I could tell you one thing. Pakistan is a nuclear state. मिस्टर पीर राजा जी को इंडिया की स्ट्रेंथ पता नहीं है क्या? अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन से तो हमारे पास नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, पहली बात तो हम शांति चाहते हैं। आर न्यूक्लियर स्ट्रेंथ इज एब्सोल्युटली पीर राजा, आप ये धमकी मनमोहन सिंह के सरकार को दीजिए, हमको मत दीजिए। नहीं 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 नहीं, हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। आपकी यही मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपकी यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो पाकिस्तान इस बात को पावरफुल है कि दे विल बी एबल टू वाइप आउट न्यू दिल्ली एनी टाइम If threatened, Mr. Pir Raja, तीन बार लड़ाई में आपके हालत क्या हुई आपको याद है ना? और दैट वाज शिमला आना पड़ा था ना, क्या भूल गए क्या इतिहास को? वो हिस्ट्री आपको याद नहीं है क्या? Distorting the fact, you are distorting the fact. Bengal, the case of the Bengalis was different. आपको तीन बार लड़ाई में क्या हुआ वो हिस्ट्री याद नहीं है क्या? No, that is a distortion. आप किसको बता रहे हैं सब बातें? There is a distortion. आप गलत बात कर रहे हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये हमारी सरकार है। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है आपने क्या कहा है? बांग्लादेश का मामला, बांग्लादेश के लोगों का, हमारे चार सैनिकों की गर्दन यहाँ तक क्यों काट दी जंग है? इसका समर्थन कर सकते हैं? एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी सैनिकों के साथ, आपके एयरफोर्स तबाह कर दी, उसके बारे में आप बता सकते हैं? आप झूठ बोलते हो। नया बना था लेकिन आज का पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। डोंट वरी अबाउट द डे व्हेन यू मेक द मिस्टेक ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान, द रिस्पॉन्स विल बी वेरी लीथल। जहां तक वो बंबई के अटैक का ताल्लुक है, आपको पता ही नहीं है या पता है तो आप दोबारा देख लीजिए मजीद मालूमात के लिए कि बाकायदा मुकदमा चल रहा है और हम देख रहे हैं फैक्ट्स क्या है। क्यों? कि हमारी कोशिश है हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों। एक पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी का हमला ना पहले हिंदुस्तान पर हुआ है ना सर, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि पीरज़ादा साहब का सब कहां से आया था? पाकिस्तान में उसके माता पिता, उसके गांव में पाकिस्तानी चैनल गए। पीरज़ादा साहब अपनी इंटेलिजेंस से पूछिए, पीरज़ादा साहब का सब से गांव में तो पाकिस्तानी मीडिया पहुंची और ऊपर से झूठ बोल था। हमको सिखाते हो शांति की बात और हमको बोलता है राम आपको बुद्धि दे, पहले आप झूठ बोलना बंद करिए अल्लाह की कसम खा के। अरे आप इंसानों को पकड़ते हैं, उनका नाम कौन था? अरे उसके टेलीफोन पर पाकिस्तान में उसने बात की थी, आप झूठ बोलते हो? अरे इतना झूठ मत बोलो, जरा अल्लाह की कसम खा के सच बोलना सीखो। झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे जैसा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। आप पाकिस्तान का मुंबई में अटैक करने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं थे? आपने क्या वो कराची से आए नहीं थे?